समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। आवास विकास के पास युवाओं ने विसर्जन के लिए जा रही माता रानी की प्रतिमाओं के साथ चल रहे भक्तों को बांटा प्रसाद, लिया आशीर्वाद। दरअसल झांसी के आवास विकास के पास युवाओं ने शनिवार की दोपहर 1:30 बजे सीपरी बाजार में पहुंच नदी में विसर्जन के लिए जा रही प्रतिमाओं को ले जाते समय उनके साथ चल रहे भक्तों को प्रसाद वितरण किया, साथ ही प्रतिमाओं की आरती कर उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर विष्णु प्रजापति, कृष्णकांत कुशवाहा, पवन गुप्ता, भरत यादव, अजय प्रजापति, हेमंत यादव सहित कई भक्तगण मौजूद रहे। हेमंत यादव, नवरात्रि के विसर्जन पर हम सभी आपस में मिलकर आवास विकास तिराहे पर ये सबकी सहमति से भंडारा कर रहे हैं। विशाल भंडारा हर साल करते हैं, इसी तरह यही सब रहता है। काफ़ी भीड़ आती है, सब कुछ बिल्कुल सामान्य तरीके से होता है। और माता रानी की 9 दिन अपन ने सेवा की, आज 10वें दिन उनका विसर्जन है और यहाँ पर सारी झांसी की मूर्तियाँ, सीपरी बाजार की अधिकतर मूर्तियाँ यहाँ से निकलती हैं। तो आज हमारे सभी लोगों ने, हमारे भाइयों ने सब ने मिलकर एक भंडारे की व्यवस्था की है, जो समस्त जनताओं को भंडारा का प्रसाद ग्रहण कराया जा रहा है। और इसी बहाने हम सभी लोगों को माता रानी के दर्शन भी हो रहे हैं। हो सकता है कि 9 दिन में हम हर माता रानी के दरवाजे पर नहीं पहुँच पाए, दर्शन करने नहीं पहुँच पाए, लेकिन इस बहाने हमें सारी मैयाओं के दर्शन हो रहे हैं और कंजकों का भोजन भी चल रहा है और सभी लोगों को भंडारे की व्यवस्था की गई है।